नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। बांदा में व्यापारी के सातवें गोलीकांड में अपराधियों को पकड़े जाने की मांग को लेकर गुलाबी गैंग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात की है। बता दें कि पिछले दिनों बघेलाबारी थाना फतेहगंज अंतर्गत एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में और घर छोड़कर जाने को मजबूर है। ऐसे में गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल अपनी गैंग की महिलाओं सहित एसपी ऑफिस पहुंची और व्यापारी के हत्यारों को पकड़े जाने की मांग की। बता दें कि जिले में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही, जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई, जिसके चलते लोगों में आक्रोश पनप रहा। ये थी बांदा से पूरन राय की खास रिपोर्ट। ये हीरा मनी है, इसके लड़का का मर्डर हुआ धाकड़, धाकड़ ने मारा और धाकड़ ही इनका मुलजिम है। इनका कहना है कि हमारा दुश्मन धाकड़ है, उसको पुलिस बचाए है, और वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं हमें पता नहीं है, ये सब पुलिस ने किया है, हम तो किसी को लिख के दिया भी नहीं है। तो इनका है कि मोह दुश्मन और न बना दे, पुलिस लीपा पोती न करे। 20 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना इनका पुलिस बरामद करवाया है और इनका दे, ये जिम्मेदार धाकड़ और धाकड़ का बाप नवल, और नवल ही एप्लीकेशन लिखवाया। पुलिस ने इतना बड़ी लीपा पोती की, मैं तो अपर एसपी से मैं मुंह पे कह के आई कि जिसका उसी घर उसी वक्त लड़का मरे, तो उसी वक्त आप ये क्या कर रहे हो कि उसे होश है क्या कि मैं किसको, ना उसे पढ़ाया गया ना सुनाया गया, और तुरंत अज्ञात दो लोगों के नाम FIR, और 5-6 दिन के बाद तीन लोगों को जेल भेज दिया, दो को ऐसे डाल दिया, और उसको बचा रही है पुलिस को मिला और इसको कसम धराया। सुनिए कि तेरे बेटे की कसम है, मरे बेटे की कसम है, अगर तू किसी से बताना नहीं तेरी मदद होगी। क्या बात हुई एडिशनल एसपी की आपकी मुलाकात? मैं तो कह के आई हूँ कि अगर इनको 2-3 दिन में वो गिरफ्तार नहीं हुआ, इनका न्याय नहीं मिला, तो अब विवेचना बदलाओ। उस चोर को हमें फतेहगंज एसओ का बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो चोर है, नालायक है, निकम्मा है, बेईमान है, वो ऐसा दरोगा है, ऐसे दरोगा पर भरोसा नहीं है, आप विवेचना बदलवाइए, ये बात कही गई है। और नहीं है तो हम यहाँ आएंगे और बाद में हम लखनऊ में मुख्यमंत्री तक